नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपसे बात करूंगी सिलोसिया के प्लांट के बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर फूल आते हैं इस पौधे पर और बहुत सारे कलर्स में ये आता है, तो आप इसको ला सकते हैं। आप बहुत अच्छे इस टाइम पर इसमें फूल आते हैं और इसके इन्हीं पौधों पर थोड़े दिन बाद मार्च अप्रैल में इसके बीज आते हैं, तो आप इसके बीज भी रख सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से चलने वाला ये पौधा है और बहुत ही सुंदर फूल आते हैं, अलग अलग कलर्स में आता है। तो आज मैं इनको जो छोटे छोटे इसमें लेकर आई हूँ, ये 20-20 रुपए के आराम से मिल जाएंगे आपको नर्सरी से, 20-25 रुपए के ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं इस टब में इनको लगाऊंगी और आज आपको बताऊंगी कि जब हम नर्सरी से ये फूल वाले जो पौधे लाते हैं, जैसे कि गेंदा हुआ है, कुछ भी हुआ, तो इनको कैसे लगाएं। तो मिट्टी हमने वही 50% अपनी रेत और मिट्टी लिए दोनों को मिलाकर, और बाकी का जो 50% है वो हमारा खाद, अच्छी खाद वाले मिट्टी में लगाते हैं जितने भी हमारे जो फूल वाले पौधे हैं। तो जब भी हम लाते हैं ये बहुत ही टाइट मिट्टी में, और बिल्कुल इनकी रूट जो है बिल्कुल बंधी रहती हैं, क्योंकि बहुत कम मिट्टी होती है नर्सरी में, तो ये मिट्टी में नीचे रखे रहते हैं, तो वहीं से लेते रहते हैं पानी। लेकिन गमले में अगर इनको हम लाते हैं तो सूख जाते हैं, इसीलिए क्योंकि बहुत ही छोटे गमले में होते हैं और इनकी रूट बहुत बुरी तरह से, देखिए इस तरह से बंधी होती हैं। तो जब हम इनको लगाएं तो बहुत ही हल्के से नीचे बीच में बिल्कुल एक सुराख करना है, और बहुत ही हल्के हाथ से नीचे से थोड़ी सी जड़ खोलनी है, बहुत ही थोड़ी सी। देखिए इनकी जो रूट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा बहुत ऐसी होती हैं, बहुत नाजुक, बहुत जल्दी टूट जाती हैं, तो आप ज़्यादा बिल्कुल छेड़खानी ना करें। अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पाएंगे तो आप ऐसे ही बिल्कुल इसको ऐसे के ऐसे ही रख दें, क्योंकि फिर आप कमेंट करेंगे कि हमारा पौधा सूख गया, आपने कहा हमने ऐसे खोला इसलिए। तो अगर आप नहीं कर सकते तो आप इसको ऐसे ही रख दें, बिल्कुल इसकी जड़ को ना छेड़ें। इनकी जो जड़ होती हैं वो बहुत ही नाजुक होती हैं, बिल्कुल पतली, और अगर आप कर सकते हैं तो धीरे से नीचे से बहुत हल्की सी खोलनी है, ताकि वो नीचे की जो जड़ें हैं वो नई मिट्टी में अच्छे से चल सकें। तो यही तरीका है इसको लगाने का। इसके जो बाद हम अपने बाकी के जो मेरे पौधे हैं उनको इसमें लगाऊंगी, अलग अलग कलर्स के सारे। तो इस एक टब में मैं चार पौधे लगाऊंगी, बहुत ही सुंदर लगेंगे चारों अलग अलग रंग के, जो हम इसमें एक ही टब में लगाएंगे। तो दोस्तों इसी तरह मैं अपने चारों पौधे लगा लूँगी, और मैं आपको फिर से कह रही हूँ रूट बॉल को बिल्कुल ज़्यादा ना छेड़ें, क्योंकि ये रूट्स बहुत ही ज़्यादा हल्की होती हैं, बिल्कुल टूट ना जाएं, टूटने से पौधा मुरझा सकता है। तो बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही आप रख दें अगर आप लाते हैं, लेकिन चेंज ज़रूर कर लें गमलों को, क्योंकि इसमें रूट बिल्कुल बहुत बुरी तरह से बंधी रहती हैं, तो जिसकी वजह से पौधा आते ही सूखने लगता है, तो ये आप ध्यान रखें। और फर्टिलाइज़र इसमें वही सरसों की खल वाला फर्टिलाइज़र सबसे बढ़िया है, जितने भी फूल वाले पौधे होते हैं। आप फिर लगाने के बाद इसमें मैं पानी लगा दूंगी, और धूप इसको 4 से 5 घंटे तो ज़रूरी चाहिए। वैसे पूरे दिन धूप वाला ये पौधा है, अगर पूरे दिन धूप आती है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन 4 से 5 घंटे तो कम से कम ज़रूरी चाहिए। ये मैं किसी दूसरे गमले में लगा दूंगी, और चारों मैंने इसमें लगा दिए हैं, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। बहुत ही अच्छा आइडिया है, किसी एक बड़े गमले में कई कलर वाले पौधे लगा दें तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। आजकल तो कितने सुंदर सुंदर कलर्स के अच्छे अच्छे पौधे आते हैं, तो इस तरह से किसी भी एक बड़े गमले में 2-3 कलर या फिर 3-4 कलर एक साथ लगाएं, तो अलग अलग रंग के जब फूल खिलते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस तरह आप लगा सकते हैं, ये पौधा बहुत ही अच्छा है, बहुत सुंदर लगता है, और इस पर ही बीज भी बन जाते हैं कुछ दिन बाद, और कितने सारे कलर्स भी आते हैं इसके। और बस पानी आप चेक कर दें, ओवर वाटरिंग बिल्कुल ना करें। आज जैसे मैंने लगा दिया है तो अब मैं हमेशा इसको देख कर ही पानी दूंगी, और मिट्टी मैंने आपको बता ही दी, धूप भी बता दी इसको कितनी चाहिए। तो मुझे लगता है इसके बारे में सारी जो जानकारी है वो मैंने दे दी है। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। खूब सारे पौधे लगाइए, हैप्पी गार्डनिंग।